नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अब गांव, कस्बों व मौजों के राजस्व मानचित्र को घर बैठे मंगाए ऑनलाइन। बिहार के करीब 88,000 शिक्षकों को विभाग दे रही है अंतिम मौका। उत्तर बिहार में उफान पर आ चुकी नदियां दे रही है बाढ़ का अलर्ट। पटना मेट्रो निर्माण के लिए अड़ंगा बन रही है 20 हेक्टेयर की जमीन। बीपीएससी ने एपीओ मेंस एग्जाम का शेड्यूल किया जारी। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। अब गांव, कस्बों व मौजों के राजस्व मानचित्र को घर बैठे मंगाए ऑनलाइन। बिहार के किसी भी गांव, कस्बों व मौजों के राजस्व मानचित्र को ऑनलाइन माध्यम से मंगाया जा सकेगा। यह सुविधा जल्द ही राजस्व विभाग आम लोगों के लिए जारी करेगी। वर्तमान में नक्शा के लिए लोगों को गुलजारबाग स्थित बिहार सर्वेक्षण कार्यालय जाना पड़ता है, जहां भीड़ के साथ साथ कई बार लोग दलाली के भी शिकार हो जाते हैं। मगर अब ऑनलाइन माध्यम से आपके घर तक नक्शा पहुंचेगा। इस संबंध में भू अभिलेख निदेशक ने बताया कि यह सुविधा आपके घर तक मिलनी इसी महीने से ही शुरू हो जाएगी। इसके लिए डाक विभाग और बैंक के साथ बिहार सर्वेक्षण कार्यालय का एक एमओयू साइन हुआ है। नक्शे की ऑनलाइन डिलीवरी हेतु भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना होगा। पेज पर जाकर रैयत के द्वारा जिला राजस्व थाना एवं मौजा का एक बार में अधिकतम 5 सीट सेलेक्ट किया जा सकता है, जिसके बाद ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करके आपको स्पीड पोस्ट के जरिए घर बैठे मैप मिल जाएगा। बीपीएससी ने एपीओ मेंस एग्जाम का शेड्यूल किया जारी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन अधिकारी यानी कि एपीओ के पद के लिए मुख्य परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा 24 अगस्त से 27 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने बीपीएससी एपीओ मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अगले महीने 16 अगस्त से बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि परीक्षा 2 स्लॉट में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। जनरल स्टडी और हिंदी भाषा की परीक्षा 24 अगस्त को आयोजित की जाएगी, जबकि अंग्रेजी भाषा और इंडियन पिनल कोड 1860 का आयोजन 25 अगस्त को किया जाएगा। वहीं इंडियन एविडेंट एक्ट 1872 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की परीक्षा 26 अगस्त को आयोजित की जाएगी। साथ ही अन्य कानूनों की परीक्षा 27 अगस्त को आयोजित की जाएगी। पटना मेट्रो निर्माण के लिए अड़ंगा बन रही है 20 हेक्टेयर की जमीन। पटना में बहुप्रतीक्षित मेट्रो सेवा के काम शुरू होने का इंतजार है, मगर जमीन का मसला फंसा होने के कारण टेंडर जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। इस दौरान बीते दिन ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व भाजपा सांसद सुशील मोदी ने नई दिल्ली में दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट के एमडी और डायरेक्टर से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो को ही पटना मेट्रो बनाने का टेंडर जारी किया गया है, मगर टेंडर जारी हो जाने के बावजूद भी 20 हेक्टेयर जमीन नहीं मिलने के कारण निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। फिलहाल पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर ISBT से मलाही पकड़ी का काम प्रारंभ हो गया है, मगर मेट्रो प्रोजेक्ट के डिपो यानी कि रेल इंजन व कोच के रखरखाव तथा मरम्मत के लिए जगह के लिए 20 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सका है, जिसके लिए सरकार को करीब 1,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब जमीन मिलते ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ कार्यक्रम में पंचायतों को स्वावलंबी बनाने की कही गई बात। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने आत्मनिर्भर पंचायत भाजपा का संकल्प विषय पर सभी प्रखंड प्रमुखों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त और स्वावलंबी बनाने को सरकार की पहली प्राथमिकता बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद भी सभी प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में पंचायती राज व्यवस्था ने मास्क, साबुन आदि का बड़े पैमाने पर वितरण किया। अब स्वास्थ्य से जुड़े जीवन रक्षक उपकरणों की खरीद में भी हम सहभागी बनेंगे। आने वाले समय में स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे, पंचायत भवन, आरटीपीएस काउंटर, हर पंचायत में नेटवर्क, खुशहाल व समृद्ध गांव के पैमाने बनेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए हर प्रखंड पर प्रशासनिक भवन का निर्माण हमारे कार्य को गतिशील बनाएगा। उत्तर बिहार में उफान पर आ चुकी नदियां दे रही है बाढ़ का अलर्ट। बिहार में हर साल ही उत्तर बिहार और नेपाल से बहने वाली पहाड़ी नदियों के उफान पर आने के बाद नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। इन नदियों के जल के बढ़े स्तर की जानकारी केंद्रीय जल आयोग ने दी है। आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक कई नदियों का लेवल खतरे के निशान को पार कर गया है, तो कई नदियों का लेवल कमा भी है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, अधवारा नदी, महानंदा, कोशी और परमान नदी का जल स्तर खतरे के निशान से कई स्थानों पर ऊपर है। गंडक नदी का जल स्तर
डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 82 सेंटीमीटर ऊपर है। पूर्वी चंपारण जिले के लालबेगिया घाट में बूढ़ी गंडक का जलस्तर 77 सेंटीमीटर ऊपर है। रोसड़ा में 196 सेंटीमीटर ऊपर, समस्तीपुर में खतरे के निशान से 131 सेंटीमीटर ऊपर है। तो वहीं खगड़िया जिले में कोसी नदी का जलस्तर बलतारा में खतरे के निशान से 91 सेंटीमीटर ऊपर है। इसके अलावा पूर्णिया जिले के ढेंगरा घाट में महानंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 72 सेंटीमीटर नीचे है। इसके जलस्तर में 107 सेंटीमीटर की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं मधुबनी जिले में कमला बलान नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से 63 सेंटीमीटर ऊपर का बताया जा रहा है। मानसून सत्र में हिस्सा लेने से पहले विधायकों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कमतर आंकड़ों के बीच बिहार में विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित होना है। ऐसे में विधायकों का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य बताया गया है। इसके लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग को हिदायत दी है कि मानसून सत्र से पहले सभी वर्तमान और पूर्व विधायकों के साथ ही उनके परिजनों को भी कोरोना का टीका लगाने की व्यवस्था की जाए। बताते चले कि मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में परिसर में आने वाले विधायक से लेकर अन्य सभी कर्मी तक को वैक्सीन लगाना अनिवार्य बताया गया है। साथ ही उनके परिवार के लोगों को भी वैक्सीन लगाना जरूरी बताया गया है, ताकि सुरक्षा के लिहाज से कोई परेशानी न आ सके। बिहार के करीब 88,000 शिक्षकों को विभाग दे रही है अंतिम मौका। राज्य के ऐसे शिक्षक जो साल 2006 से 2015 की अवधि में बहाल हुए थे, उन्हें शिक्षा विभाग ने एक बार फिर उनके प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अपलोड करने को याद दिलाया है। दरअसल बार बार मौका देने के बावजूद भी अब भी करीब 88,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनके प्रमाण पत्रों की निगरानी जाँच नहीं हुई है। ऐसे में 20 जुलाई तक इन शिक्षकों को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। ऐसे में इन शिक्षकों ने अगर अपने टीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, मेधा सूची प्रमाण पत्र, नियुक्ति प्रमाण पत्र, जाति और आवासीय प्रमाण पत्रों के स्कैन कॉपी को इस महीने की 20 तारीख तक जमा नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों से सेवानिवृत्त हो चुके या फिर मृत हो चुके शिक्षकों की लिस्ट को भी जमा करने को कहा है। बिहार के उत्तरी हिस्से में 48 घंटों तक नहीं मिलेगी बारिश से कोई राहत। राज्य के उत्तरी हिस्से में लगातार बारिश से नदियों में पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहीं लोग भी हलकान हो रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक आज और कल रविवार को अधिकांश हिस्सों में बारिश होने के आसार बने हुए हैं, वहीं सोमवार से कुछ राहत मिलने के आसार है। सबसे ज्यादा बिहार के उत्तरी हिस्से में बसे जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण आदि जिलों में जून और जुलाई के दौरान तकरीबन हर रोज ही बारिश हो रही है। इसके अलावा बक्सर, गया, पटना, जहानाबाद में भी पर्याप्त बारिश हो रही है। हालांकि इन जिलों में बारिश के बाद की उमस से लोग बाग हलकान हो रहे हैं। टीकाबाड़ी नाव से हुआ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण। बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच सरकार के इस महाअभियान में कई तरह की परेशानियां भी आ रही हैं, मगर उनका हल निकालते हुए घर घर जाकर भी दूर सुदूर क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन का काम जारी है। इस बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी प्रशासन के द्वारा नाव के जरिए वैक्सीन दी जा रही है। इस बाबत मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन देने के लिए टीकाबाड़ी नाव चलाई जा रही है। इसका उद्घाटन बागमती नदी से सटे क्षेत्र बसघट्टा और बर्री में जिले के सिविल सर्जन ने किया। इसके अलावा इस टीका वाली नाव के जरिए वैक्सीनेशन के अलावा चिकित्सीय सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी से मिलकर भावुक हुए चिराग। लोजपा सांसद चिराग पासवान अपने ही चाचा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ सांसदों से बगावत झेलने के बाद जनता के बीच आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान बीते दिन वे अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की जन्मस्थली खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव पहुंचे, जहां चिराग अपनी बड़ी मां व स्वर्गीय पासवान की पहली पत्नी से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान राजकुमारी देवी से मिलते ही वे काफी भावुक हो गए और लंबे समय के बाद एक दूसरे को गले मिलकर रो पड़े। इस दौरान राजकुमारी देवी ने चिराग पासवान को बेटा कहते हुए अपने हाथों से खीर खिलाई और सर पर पगड़ी भी पहनाई। इस दौरान चिराग ने चाचा पशुपति पारस के धोखा देने की भी बात बताई, जिस पर स्वर्गीय पासवान की पहली पत्नी ने चिराग पर भरोसा जताते हुए उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि जनता का आशीर्वाद साथ है। आपको बताते चले कि रामविलास पासवान जब 14 साल के थे तभी साल 1960 में राजकुमारी देवी से उनकी शादी हुई थी। तेज प्रताप यादव ने शुरू किया आयुर्वेदिक अगरबत्ती का बिजनेस। हसनपुर सीट से राजद विधायक व लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों बिजनेस वर्ल्ड में भी किस्मत आजमा रहे हैं। नेता से बिजनेसमैन बने तेज प्रताप ने अपने कई प्रोडक्ट को लॉन्च भी किया है। इस बीच उनके प्रोडक्ट आयुर्वेदिक अगरबत्ती को डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल गया है। इस बात की जानकारी तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट के माध्यम से की। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि LR राधाकृष्णा आयुर्वेदिक अगरबत्ती का बिहार में पहला डिस्ट्रीब्यूशन सिप पटना स्थित आशा फर्नीचर को दिया गया है। अब आप आशा फर्नीचर के सभी शोरूम से ये अगरबत्ती रिटेल या होलसेल की कीमत पर खरीद सकते हैं। बताते चले कि तेज प्रताप अपने सारे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग LR के नाम से कर रहे हैं, जिसका मतलब कई लोग लालू राबड़ी भी बता रहे हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पटना पहुंचे गिरिराज सिंह। केंद्र सरकार में पहले मत्स्य विभाग के मंत्री और अब ग्रामीण विकास मंत्रालय का बड़ा जिम्मा बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह को मिला है, जिसके बाद बीते दिन ही नए मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद वो पटना पहुंचे और मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से उन्होंने कहा कि कोई भी जिम्मेवारी बड़ी या छोटी नहीं होती है, मैंने पहले भी अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाई थी और अब जो मिली है उसे भी आगे निभाऊंगा। इस दौरान गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी के भरोसे पर खरा उतरने और उसे पूरा करने की भी बात कही। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र के साथ ही बिहार में भी काम करने वाली सरकार है। तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह के इस्तीफे को बताया गलत। राजद पार्टी में अंदरूनी खींचतान जारी है, जहां एक तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस्तीफा देकर पार्टी में चहलकदमियां मचा दी, वहीं अब लालू यादव के बड़े बेटे इस मामले में नरम तेवर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जगदा बाबू के इस्तीफे की बात गलत है। उन्होंने कहा कि जगदा बाबू की बात पिता लालू यादव से कल ही हुई है और पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि जगदा बाबू के इस्तीफे को तेज प्रताप यादव से ही जोड़कर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि तेज प्रताप से नाराजगी को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लालू प्रसाद यादव हैंडल कर रहे हैं। लिटिल मास्टर्स से मशहूर भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर का आज है जन्मदिन। क्रिकेट की दुनिया में लिटिल मास्टर्स के नाम से पहचान बनाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का आज 72 साल के हो गए हैं। सुनील गावस्कर साल 1983 की उस टीम में भी शामिल थे जिसने कपिल देव की कप्तानी में वनडे विश्व कप जीता था। इसके बाद साल 1987 के विश्व कप तक वे खेलते रहे, उसी के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। सुनील गावस्कर को लिए अब करीब 34 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके कुछ कीर्तिमान ऐसे हैं जो कोई भी नहीं तोड़ सका है। गावस्कर ऐसे पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए थे। इतना ही नहीं, 3 टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले वे पहले बल्लेबाज थे। सचिन तेंदुलकर ने तो एक बार ये भी कहा था कि उन्हें इस बात का मलाल है कि वे कभी सुनील गावस्कर के साथ नहीं खेल पाए। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना से जान जाने वाले मरीजों में हुआ इजाफा। देश भर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 42,766 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,206 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान कुल 45,254 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,55,033 हो गई है। वही बात अगर बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे के दौरान 95 नए मरीज आए हैं। इस दौरान 217 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,018 हो गई है। वहीं रिकवरी दर 98.53% हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा का फायदा उनके राजनीतिक करियर को मिलेगा या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।